नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बिष्ट और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता ही है पहाड़ की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम वीडियो नहीं बना पाते हैं या कोई समस्या और आ जाती है हमको। तो दोस्तों, जैसे कि पता था कि हमारे पहाड़ में रोज़गार की कमी शुरू से ही लगी रहती है। इसमें जो कोरोना महामारी बीच में चली जिससे लोग प्रभावित हुए, परेशान हुए, उसके विषय में हमारे पहाड़ के लोग जो 100% लोग वापस आए थे उसमें से कम 70% लोग तो वापस जा चुके हैं। उसमें से 30% लोग जो अभी घर में हैं, उनमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जो फिर वापस अपने रोज़गार के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो स्वरोजगार के माध्यम से अपने उत्तराखंड में ही कुछ करना चाह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आइए आज हम उन्हीं के स्थान में आपको लेके जा रहे हैं, उनके बीच में लेके जा रहे हैं जो अपने उत्तराखंड में खुद स्वरोजगार कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दर्ज किया था कि लोकल को वोकल बनाओ और अपने लोगों को अवसर दो कुछ करने का। तो उसी के बीच में आज हम जा रहे हैं कुछ नया दिखाने के लिए आपको, तो हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। परदेश से लौटे हुए प्रवासी भाई ने अपना खुद का रोज़गार यहाँ पे किया हुआ है और लोगों को भी एक नया संदेश दिया है कि किस तरह हम पलायन को छोड़ के अपने पहाड़ में ही खुद स्वरोजगार कर सकते हैं। तो आइए आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त हम हैं बेताल घाट के पास में ही एक अमेल गांव है, जहां पर हमारे एक भाई हैं श्याम सुंदर जी। ये पहले चंडीगढ़ में कार्य करते थे, शायद आप चंडीगढ़ में करते थे। इस कोरोना काल के टाइम पर जब ये घर वापस आए तो उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना अपने पहाड़ में ही कुछ किया जाए, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दिया जाए। तो भाई साहब, पहले कहाँ करते थे काम? चंडीगढ़ में जॉब करते थे। चंडीगढ़ में जॉब करते थे, क्या जॉब थी आपकी वहाँ पे? जी अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटेंट के थे आप। अच्छा, तो आपके मन में कैसे विचार है कि पहाड़ के लिए आप कुछ करो, ये सब चीजें उद्योग आप चालू करो? एक्चुअली कोरोना काल में बैठे बैठे 4-5 महीने हो गए थे घर में, तो काम था नहीं, दिमाग रहा था क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये आइडिया है कि चप्पल सभी यूज करते हैं पहाड़ों पर, सबसे ज्यादा चप्पलें पहनी जाती है, तो एक अच्छी क्वालिटी की सस्ती चप्पल हम प्रोवाइड कर सकते हैं सबको, यही कोशिश है हमारी। चलो, ये बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने अपने पहाड़ के लिए कुछ तो उद्योग चालू किया और 10 लोग को और ये संदेश दे रहे हैं कि अपने पहाड़ में आकर जो स्वरोजगार है। आज जैसे जिस तरह से पलायन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हर कोई सोचता है कि बाहर ही कमाओ, हमारे पहाड़ तो आज वैसे भी पीछे है क्योंकि हर कोई सोचता है कि नौकरी है उसका टारगेट। तो आपने ये कब से प्लान बनाया था कि आप पहाड़ में कुछ करें करके, अभी जब कोरोना काल हुआ तब ध्यान आया पहले से? नौकरी करते करते 12-13 साल चंडीगढ़ में हो गए थे, तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था कि नौकरी से किसी का कुछ नहीं होता, तो कुछ करे कुछ करे, पर कुछ दिमाग में आ रहा था कि हम जाके कर क्या सकते हैं। एक्चुअली में जब कोरोना ने हमें 4-5 महीने बैठा था तभी कुछ आया दिमाग में, हम कुछ अलग से कर सकते करके, तो ये कोरोना की देन है। तो अभी कितना समय हो गया ये? अभी मैक्सिमम महीना। अच्छा, महीना हो गया। तो अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं आपके पास में इधर आस पास? अभी एक्चुअली स्टार्ट ही है, तो लोकल में तो ठीक ठाक ही है, बाकी जब क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होगी तो चैट से बात है ऑर्डर भी है। तो मतलब लोग यहाँ खुद भी खरीदारी करने आ रहे हैं या फिर होलसेल में ही बाहर जा रहे हैं? नहीं नहीं, लोग बाग यहाँ से भी खरीदने जा रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं माल। तो लोग संतुष्ट हैं आपके कार्यों से? संतुष्ट है। और आपको लग रहा है कि कुछ इसमें फायदा मिलने वाला है और आप आगे भी लोगों को जोड़ सके इस कार्य? हाँ, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पहाड़ पर जूते कम पहनते हैं, चप्पल ज्यादा तो चप्पल घिसती काफी है और चप्पल की डिमांड काफी रहती है, तो एक अच्छी क्वालिटी की हम चप्पल देंगे तो जाहिर सी बात है हमारी मार्केट भी जाएगी और रोजगार भी मिलेगा जी। तो ये है श्याम सुंदर भाई, जिन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपने पहाड़ के लिए जो कुछ कर रहे हैं, स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप अगर यहाँ आसपास के क्षेत्र के हैं, आसपास के जिलों के हैं, तो आप इनसे संपर्क जरूर कीजिए, लोकल फॉर वोकल, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अपने लोकल के लोग को ज़्यादा महत्व दें और उनको उनकी मदद करें। तो हमारा साफ साफ संदेश आपसे यही है कि आप ऐसे लोग को बढ़ावा दीजिए, चाहे कोई भी आपके आसपास कोई भी लोग ऐसे अगर स्वरोजगार कर रहे हैं तो उनको बढ़ावा जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पहुँचे हैं बेताल घाट के मेन बाज़ार में, जहाँ पर एक आउट ऑफ कंट्री से कार्य करके आया हुआ पहाड़ का व्यक्ति जो अब अपने बेताल घाट में ही खुद स्वरोजगार कर रहा है होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से, जो लजीज खाना वहां पर दे रहे थे वो यहां पर भी बेताल घाट वासियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए, आइए मिलते हैं। हम हैं इस वक्त बेताल घाट के मेन मार्केट में, और जहाँ पे एक भाई जो हमारे पहले बाहर कार्य करते थे, इस लॉकडाउन के चलते ये भी घर वापस आए, अब इन्होंने बेताल घाट में अपना कार्य शुरू किया है, रेस्टोरेंट का कार्य शुरू किया है। इनका नाम है जीत सिंह बोहरा, जो चुहिया बेटारी के रहने वाले हैं। भाई साहब, पहले काम कहाँ करते थे?
पहले मैं ओमान में करता था। ओमान में काम करते, वहाँ क्या कार्य करते थे आप? वहाँ भी खाने के काम करते थे। वहाँ यही रेस्टोरेंट का सफाई करते थे। तो आपके मन में विचार कैसे आया कि आप यही लोकल में काम करो? तो हमने सोचा कि अब बाहर से स्टेट से एशिया अपना स्टेट में काम करना चाहते हैं, अपने स्टेट के लोगों को ये सेवा देना चाहते हैं। तो अभी बेतालघाट वासियों का क्या क्या भोजन उपलब्ध करा रहे हैं हम? बेतालघाट में जैसे छोले भटूरे हो गए, राजमा हो गया, कढ़ी चावल हो गया, और चिली पनीर हो गया, चिली चिकन हो गया, और पकौड़े हो गए, ये सब आइटम दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो तमाम डिशे आप वहाँ पर देते हैं वो आप तमाम सारे डिशे यहाँ अवेलेबल है? यहाँ अवेलेबल है सारे। जो छोला भटूरा, जैसे कि आपको पता है बेतालघाट में इससे पहले नहीं बन रहा था, तो उन्होंने बेतालघाट में छोले भटूरे चालू कराए, और जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे राजमा, बहुत फर्स्ट क्लास राजमा बना रहे हैं, काफ़ी टेस्टी दिख रही है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और दूसरा पूरी सब्जी और पराठे वराठे हर चीज़ तरह से इन्होंने अवेलेबल कर रखा है। और जलेबी लेबी जैसे कि आपने बाहर बोल रखा है? हाँ, यहाँ जलेबी मिलती है, देसी घी की जलेबी होगी, जैसे यहाँ पर देसी घी की जलेबी मिलती है। अच्छा, यहाँ प्योर जलेबी नहीं मिलती थी पहले? हमारे प्योर वाली देसी घी, हम घर वाले जो होते हैं हमारे पास शुद्ध देसी घी, शुद्ध देसी घी मिलती है। अच्छा अच्छा, तो ये जीत सिंह बोरा जी हैं जो चुहे बिडारी के रहने वाले हैं, और ओमान में पहले कार्य करते थे, होटल का ही कार्य करते थे। अब इन्होंने अपने क्षेत्र में लोकल और वोकल को देखते हुए बेतालघाट में इन्होंने अपना रेस्टोरेंट चालू करा है, और ये काफ़ी तमाम चीज़ें जो वहाँ पे बनाते थे उन सभी चीज़ों को यहाँ पे बेतालघाट वासियों को खिला रहे हैं। तो अगर आप बेतालघाट में आते हैं तो आप छोला भटूरा का आनंद, यहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल, हर प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका आप आनंद यहाँ पर बेतालघाट में ले सकते हैं। तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे? बिक्री आपकी अच्छी चल रही है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सही चल रहा है अभी, लोग आनंद ले रहे हैं खाने का? लोग आनंद ले रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जैसे कि इनका कहना है कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो आप जरूर एक बार इनकी दुकान में आइए और देखिए किस तरह का ये स्वादिष्ट खाना आपको खिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।